नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जवाली नाला रोड में बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग करने पर मकान मालिक के विरुद्ध नगर निगम ने कार्यवाही की है। यहां संचालित 3 दुकान और 1 गोदाम को सील कर दिया गया है। इसी तरह अतिक्रमण दस्ते के 7 जोन कमिश्नर राजकुमार मिश्रा मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां 2 अनियमित दुकानों जिनमें गायत्री मेडिकल एजेंसी और राधे कृष्ण मेडिकल व जनरल स्टोर को सील करने की कार्यवाही की गई है। इससे पहले दुकान मालिक को नियमितीकरण का नोटिस जारी किया गया था। कार्यवाही के दौरान गहमा गहमी का माहौल बना रहा। मुख्यमंत्री मितान ऐप के जरिए अब प्रसूति गृह सहित नर्सिंग होम और अस्पताल संचालकों द्वारा खुद ही जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। इसके अलावा गर्भवती माताओं के रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार की योजना अनुरूप उन्हें बच्चे के जन्म से लेकर टीका लगवाने तक की जिम्मेदारी ANM की होगी। इसे लेकर शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त की मौजूदगी में दृष्टि सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न नर्सिंग होम संचालकों सहित अस्पताल संचालक मौजूद रहे। इस संबंध में CMHO डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने जानकारी दी। सभी नर्सिंग होम वालों को जिनके यहाँ 10 से ज़्यादा डिलीवरी होती है, उनको नगर निगम आयुक्त सर के द्वारा आमंत्रित किया गया था कि ताकि मितान कार्यक्रम के बारे में उनको बताया जा सके कि जो भी वो अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको हमारे जो गवर्नमेंट के मितान उनके घर पहुँच के सेवा देंगे, उनको बर्थ सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। दूसरा, हमारे 1 अप्रैल से चालू हो रहा है कि आप अपना प्रेगनेंसी जैसे ही रजिस्टर कराते हैं तो हम उस एरिया को ट्रेस करेंगे, उस मितानी हमारे एनसी जो उस एरिया में है वो उनको सारी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी, जिसमें आपके हाई रिस्क प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे के जन्म के बाद टीके तक के उसमें इन्वॉल्व हैं। यात्रियों की सुविधा और मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने रायगढ़ बिलासपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल और बिलासपुर कोरबा मेमू पैसेंजर स्पेशल की समय सारणी में आंशिक परिवर्तन किया है। अब रायगढ़ बिलासपुर ट्रेन रायगढ़ से 2:35 पर रवाना होकर शाम 5:40 पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगी। इसी तरह बिलासपुर कोरबा मेमू ट्रेन 6:40 पर बिलासपुर से रवाना होगी। रेलवे का दावा है कि दोनों ट्रेन के समय में बदलाव से यात्रियों को राहत मिलेगी। बिलासपुर रेल मंडल की सभी रेल लाइनों का विद्युतीकरण हो गया है। 100% विद्युतीकरण का दावा करने वाली रेल का मानना है कि इससे ट्रेनों के परिचालन में बाधा नहीं आएगी और ट्रैक्शन में परिवर्तन यानी डील से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक से डील ट्रैक्शन में परिवर्तन के कारण ट्रेन परिचालन में होने वाला विलंब समाप्त हो जाएगा। भारतीय रेलवे दुनिया में सबसे बड़ा हरित रेलवे बनने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। वर्ष 2030 से पहले शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय रेलवे का हिस्सा बिलासपुर रेल मंडल बड़ी सफलता हासिल कर ली है। अब यहां सभी लाइनों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। जनपद पंचायत तखतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत पोड़ी भरनी में चल रहे मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य में व्यवधान डालने वाले गाँव के ही उमा शंकर कौशिक, राम अवतार कौशिक, विनय कौशिक के खिलाफ पुलिस अधीक्षक से सरपंच नरेश कुमार ने पंचों के साथ जाकर शिकायत की। सरपंच ने बताया कि कौशिक परिवार ने उनके साथ भाजपा नेता होने का रौब जताते मारपीट और गाली गलौज की गई है, जिसके कारण मनरेगा का कार्य प्रभावित हो गया है। आदर्श तालाब गहरीकरण के कार्य के दौरान परिवार ने उस तालाब को अपना बताते हुए पंचायत के काम में बाधा उत्पन्न की है। पुलिस अधीक्षक सहित तमाम अधिकारियों को सूचना भेजकर सरपंच ने कार्यवाही की मांग की है। लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उसका ये कहना है दोनों भाई कि भाई ये जगह जो हमारी पहले की हम कब्जा करें, मनरेगा के काम पे मत चलवा के मोर ऊपर दोनों भाई और का लड़का मारपीट चालू किए। उसके बीच बचाव में मेरा लड़का रितेश कुमार कौशिक भी आए, उसको भी उन तीनों लोग मिल करके मारपीट किए हैं। और इस भयभीत से गांव के मजदूर लोग भी काम करने के लिए अमृतसर तालाब में भी नहीं आ रहे हैं। इसके शिकायत के लिए हम लोग SP ऑफिस के पास आए हैं, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे, भी जिला पंचायत में देंगे, जनपद में भी देंगे और सकरी थाना में देंगे। भोजपुरी समाज व फिल ग्रुप के तत्वाधान में शनिवार को शहर में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर SSCL मुख्यालय के सामने जिला खेल परिसर में लोगों की डिमांड पर भोजपुरिया सुपरस्टार गायक
और कलाकार पवन सिंह और भोजपुरी अभिनेत्री अंजना सिंह जलवा बिखेरेंगे। इवेंट ऑर्गेनाइजर प्रमोद सिंह आयोजन समिति के ललित पुजारा कार्यक्रम से पहले तैयारियों को अंतिम रूप देते नजर आए। शाम 6:30 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के अलावा लगभग 20,000 से अधिक दर्शक कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे। भोजपुरी आर्टिस्ट सुपरस्टार पवन सिंह और अंजना सिंह के तत्व के निर्देश में होगा और शहर के सभी वीआईपी लोग और विधायक महोदय, सांसद महोदय और सारे अतिथिगण यहाँ उपस्थित रहेंगे। और जैसा कि हमारे प्रवीण भैया का ये बर्थडे भी है 18 मार्च को, तो समझ लीजिए कि उसी की होली मिलन और इनका जन्मदिन दोनों साथ में एक आयोजन भोजपुरी समाज और फिल्म ग्रुप द्वारा कराया जा रहा है। पवन सिंह सुपरस्टार है भोजपुरी फिल्मों के, स्टार के अलावा ये सिंगर भी हैं। इनके साथ में एक्ट्रेस अंजना सिंह भी आ रही है और इनकी पूरी टीम आ रही है और इनका बहुत नाम है भोजपुरी सिनेमा में। सिंगर भी, गाना भी गाते हैं और एक्टिंग भी करते हैं। ये माहौल बहुत है, बहुत सारे लोगों की इंक्वायरीज आ रही है इनके पासेस के लिए जो है वो, हालांकि ये निःशुल्क रखा गया है। प्रवीण झा के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित की जा रही है और उम्मीद है कि 15,000 से 20,000 की भीड़ आने की पूरी उम्मीद है इसमें। शहर के एक निजी होटल में गुरुवार की शाम लायंस क्लब वसुंधरा ने महिला दिवस का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल महिला थाना प्रभारी सरिता तिवारी, विशिष्ट अतिथि समाज सेवी अलका शर्मा ने महिला पत्रकार शीला पाठक का वसुंधरा टीम की ओर से उन्हें शॉल, श्रीफल और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। महिला थाना जो परामर्श केंद्र है, आम जो सामान्य थाने से बहुत हटके हैं। सामान्य थाने में दो पक्ष आते हैं, झगड़ा करते हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई करते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन परामर्श केंद्र या महिला थाना के जो कार्य है वो परिवारों को जोड़ना होता है। इस कारण हमारा काम में बहुत कठिन हो जाता है। दोनों पक्षों में अहंकार को लेकर अहंकार रहता है कि हम सही हैं, हम सही हैं, है ना, या उनके परिवार के बीच में आपस में ईगो प्रॉब्लम होती है। दोनों पक्षों के बीच में उनकी जो गलत है उनको दूर करके उनको जोड़ने का महिला परामर्श केंद्र। आजकल जो भी गलतियां और जो भी अनियमितताएं आ रही हैं परिवार में, वो बेटियों से ज़्यादा बेटों से आ रही हैं। और वास्तव में जो बेटियां हैं हमारी, हमें उन्हें ऐसे ही समझाई देना चाहिए कि वो कोई भी घर जाए, कहीं भी जाए, वहां परिवार को एक करने की सोचे। ये नहीं कि वहां जाके केवल एकल परिवार बना लें, पति पत्नी और एक अपने बच्चे का। यहाँ उपस्थित सदन में जितनी भी महिलाएं हैं, लगभग 20-21 जो भी हैं, सभी का आज इस मंच से सम्मान किया गया है। और इसलिए ही सम्मान किया गया है कि हम खुद अपने आप में अपने आप को सम्मानित महसूस करें। और आज चूँकि महिला दिवस मनाने की परंपरा बहुत दिन से चली आ रही है, हालांकि मैं समझती हूँ कि एक दिन महिला दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा। हर दिन महिला का सम्मान होना चाहिए, महिला स्वयं में अपना सम्मान रखे, वह ऐसे कार्य करे। गर्मी के मद्देनजर कानन पेंडारी जू प्रबंधन ने वन्य प्राणियों के लिए खास जतन किया है। बाघ, तेंदुआ, लॉयन के बंद केज में कूलर लगाकर उन्हें राहत दी जा रही है। वहीं खुले केज में स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। इसके अलावा बारहसिंगा, सांभर और चीतल जैसे वन्य प्राणियों के केज में लगे टीन शेड में घास बिछाई गई है ताकि तापमान ठंडा बना रहे। वन विभाग का ये चिड़ियाघर प्रदेश का सबसे बड़ा जू है। 450 से अधिक वन्य प्राणी और 65 प्रजातियों वाले इस चिड़ियाघर में वन्य प्राणियों के रहवास से लेकर उनके खान पान पर खास ध्यान दिया जाता है। व्यवस्था मौसम के अनुरूप बदलती रहती है। अब गर्मी बढ़ने लगी है, आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा, इसलिए जू प्रबंधन ने यहां पुख्ता इंतजाम कर लिया है। चीतल, सांभर, नीलगाय, बारहसिंगा, मणिपुर हिरण, कोटरी समेत खुले में रहने वाले शाकाहारी वन्य प्राणियों के केज में स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। इसके नीचे वन्य प्राणी घंटों बैठकर खुद को गर्मी से बचाते हैं। इतना ही नहीं, क्षमता के अनुसार शेड भी बनाए गए हैं, हालांकि ये शेड टीन के हैं। इसके कारण गर्मी में यह और गर्म हो जाते हैं। इस स्थिति में उन्हें इसके नीचे बैठने में परेशानी होती है, इसलिए खास तौर से हाथी घास मंगाया गया है। इसकी वजह से शेड के नीचे का हिस्सा कम गर्म होता है। समय समय पर जू कीपर इसे गीला भी करते हैं ताकि शेड के नीचे ठंडा रहें। वन्य प्राणी यहाँ बैठते भी हैं, खासकर दोपहर में जब सूर्य की तेज किरणें उन्हें प्रभावित करती हैं। इसके अलावा बाघ समेत दूसरे मांसाहारी वन्य प्राणियों के लिए स्प्रिंकलर के साथ कूलर की व्यवस्था भी की गई है। गर्मी के टाइम पे शेड्स बनाते हैं, टेम्परेरी शेड्स बनाते हैं, तो उसका शेड ऑलरेडी बन गया है और काम चल भी रहा है उसका।
और इस बार पानी की व्यवस्था भी हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम हमने नया एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया है पर सारे मतलब सारे हर्बीवोर सेक्शन में भी लगा हुआ है स्प्रिंकलर सिस्टम जो जो कि मतलब सुबह शाम चलाते हैं ताकि एनिमल्स को भी ठंडक रहे। और फिर बाड़ों में फिर हम कूलर का जो कार्निवोर सेक्शन है उनके अंदर के बाड़ों में भी कूलर लगाया गया है। तेंदुए के केज को आकर्षक स्वरूप देने और गर्मी से बचाने के लिए इस बार जू प्रबंधन ने नई व्यवस्था की है। केज के एक किनारे में छोटा सा झरना बनाया गया है। झरने के नीचे के हिस्से का डिज़ाइन इस तरह है कि यहाँ पानी जमा होता है। तेंदुआ इस झरने में चढ़कर बैठते हैं तो कभी पानी में डुबकी लगाते हैं, इससे भी उन्हें गर्मी से राहत मिलती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। गर्मी के दिनों में जीव जंतु और जानवरों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए कानन प्रबंधन कई उपाय कर रहा है। उनकी सेहत पहले जैसी बनी रहे इसके लिए कानन प्रबंधक द्वारा वन्य प्राणियों के खान पान में बदलाव किया जा रहा है। कानन के DFO विष्णु नायक ने बताया कि डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए डॉक्टरों की सलाह ली जा रही है, साथ ही डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार ही वन्य प्राणियों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है। मौसम बदलते ही कानन पिंडारी जू के भालुओं के खान पान में भी बदलाव किया गया है। उन्हें मौसमी फल तरबूज फ्रूट्स ककड़ी पपीता और केले दिए जा रहे हैं। इसके अलावा खीर और खिचड़ी भी खिलाया जा रहा है। गर्मी से बचाने जानवरों के बाड़े में कूलर की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर्स को लगातार मॉनिटर करते रहते हैं, पानी उनको लगातार हम दिया, उनके मोट में भी पानी रहता है और उसके अलावा उनको उनके जो कोटना है उसमें भी पर्याप्त पानी दिया जाता है ताकि उस वैसा वाला सिचुएशन कभी अराइज ना हो करके। गुरुवार सुबह एक दो स्थानों में मेघ बरसे, शहर में भी बूंदाबांदी हुई। दोपहर को गर्मी गायब हो गई। वातावरण में अचानक हुए बदलाव को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने इसे किसानों के लिए वरदान माना है। उनका मानना है कि 20 मार्च तक अभी मौसम ऐसे ही बना रहेगा। गरज चमक के साथ वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। अधिक बारिश गेहूं की फसल के लिए नुकसानदेह हो सकती है। अभी तक जो है छत्तीसगढ़ में गर्म तरफ से हवाएं आ रही थी और अचानक से जो है मौसम ने करवट ली है। इसमें दक्षिण की तरफ से जो है वो हवाएं आ रही हैं, साथ ही साथ उत्तर भारत में भी एक डिस्टर्बेंस बना हुआ है जिसके कारण वहाँ से भी ठंडी हवाएं आ रही हैं। और यही कारण है कि जो दक्षिण से आ रही हैं वो हवाएं नमी लेकर आ रही हैं जिसके कारण हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं छिटपुट तौर पर, और ये मौसम एक दो दिन तक बने रहने की संभावना है। यदि बहुत ज़्यादा पानी गिरता है तो फसल के लिए नुकसानदायक है, अन्यथा अभी जो है गेहूँ खेत में या रबी की फसलें जो हैं खेत में खड़ी हुई हैं तो उनके लिए एक प्रकार से वरदान है यदि हल्की फुल्की बारिश होती है तो। जिला कौशल विकास प्राधिकरण जिला पंचायत बिलासपुर और जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर के संयुक्त तत्वाधान में संकल्प परियोजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान 17 मार्च को चलाया गया। विशेष रोजगार मेले में 19 नियोजक यानी कंपनी उपस्थित हुए, जिसमें 306 पदों के लिए 1189 आवेदक साक्षात्कार में शामिल हुए। इनमें से 427 आवेदकों का प्रारंभिक रूप से चयन कर लिया गया है, जिसमें से 224 महिलाओं का प्रारंभिक चयन हुआ है। रोजगार मेले स्थल में कुल 89 आवेदकों का चयन हुआ, जिसमें 55 महिला आवेदक अंतिम रूप से चयनित की गई हैं। शेष 217 पदों पर दूसरे साक्षात्कार के बाद कंपनी उनका अंतिम चयन करेगी। कोनी स्थित रोजगार कार्यालय में इस मौके पर भीड़ देखी गई। पास स्टूडेंट्स और जिनकी उम्र केवल 18 साल है ऐसे लोगों को LIC जो है वो रोजगार मुहैया कराती है। ग्रामीण एरिया के कैंडिडेट अगर हैं जहाँ की आबादी 5000 से कम है उनको 5000 रुपये हर महीने का स्टाइफंड के तौर पे देती है, साथ में जो वो काम करते हैं उस काम पे उनको कमीशन भी बहुत बढ़िया मिलता है। शहरी एरिया के जो कैंडिडेट हैं उनको 6000 रुपये पर मंथ देती है और साथ में जो वो काम करते हैं उस काम पे बहुत आकर्षक कमीशन मिलता है। यही नहीं, इसके अलावा अगर वो प्रोफेशनली काम करते हैं यानी कि एक लेवल से अच्छा परफॉर्म करते हैं तो क्लब मेंबरशिप में आने के बाद में उनको घर गाड़ी बंगला ये सारी सहूलियत भी उनको मिलती है। पेंशन और ग्रेच्युटी का भी प्रावधान LIC में एजेंट के तौर पे उपलब्ध है। कृषि के लिए अब न केवल धान ही उपयुक्त है बल्कि कई ऐसे मसाले भी हैं जिसके माध्यम से किसानों को काफी लाभ मिल सकता है। अब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से अचानकमार क्षेत्र के किसानों को अदरक की खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा।
इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर आर के एस तिवारी ने संबंध में विस्तार से जानकारी दी। ये जो अदरक का हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे, ये हमने किसानों को चयन करना है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अचानक मार उसके आसपास का एरिया है कोटा और बेलघाना क्षेत्र का, उनके वहाँ के जो किसान हैं, खासकर जो आदिवासी किसान हैं, सामान्य किसान हैं, जो करना चाहते हैं उनसे सहमति लेके उनके खेतों पर इसका प्रदर्शन डाला जाएगा। उसमें उनको बीज पौधे सब निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, उनको दवाइयाँ दी जाएंगी, खाद दी जाएगी, ऐसे कई सारी चीज़ें उनको दी जाएंगी। फिर वहाँ पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, तो कुछ इस तरह से पूरा साल भर का कार्यक्रम रहेगा जिसमें किसान को लगे कि हाँ अब ये हमारी एक दूसरी फसल है जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और इससे आमदनी, अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर सकते। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की दो दिवसीय संगोष्ठी के बाद लगभग 25% किसानों का झुकाव मसालों और सुपारी की खेती की ओर हुआ है। डीन डॉक्टर आर के एस तिवारी ने संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि किसानों को विकसित करने हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। संगोष्ठी और प्रदर्शनी के बाद किसान मसालों की खेती के लिए अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसे किसान थे जो पहली बार जिन्होंने देखा कि हल्दी की भी खेती हो सकती है अच्छे तरीके से, और क्योंकि हमने प्रदर्शनी लगाई थी तो वहाँ पे भी उन्होंने जाके देखा भी कि कौन कौन सी किस्में हैं, कैसे लगा रहे हैं। और प्रदर्शनी में हमने ये काम किया था कि जो किसान लगा रहे हैं उनकी भी प्रदर्शनी लगाया था, तो वो किसानों ने उनको अच्छे से समझाया। और ये एक अंदाज़ा ये इस बार है कि जो खरीफ सीजन में लगभग जितने किसान आए थे उसमें से ये मान के चलिए कि 25% किसान तो हल्दी की तरफ आकर्षित होंगे, जो हल्दी की खेती शुरू करेंगे, और ख़ासकर उन खेतों में जिन उनके यहाँ जहाँ पे धान की पैदावार नहीं होती, हल्की ज़मीन है, पानी नहीं रुकता, और ऐसी जगहों पे वो निश्चित खेती करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कालिका नगर तिफरा में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन यादव समाज द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य यजमान रामेश्वर यादव, आशा यादव और कथा व्यास के रूप में पंडित पंकज भूषण मिश्रा ओजस्वी वाणी में श्री हरि कृष्ण कथा का रसपान कराया। गुरुवार को सुदामा चरित्र कथा, विश्राम चढ़ोत्री और शुक्रवार को गीता सहस्त्र धारा महाप्रसाद के साथ कथा सम्पन्न हुई। भागवत जीवन के एक अद्भुत दर्शन की विशद व्याख्या है कि हम जीवन कैसे अच्छे भाव से जी सकते हैं, इसी महत्व को वेद व्यास जी ने भागवत में लिखा। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।